चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ महंगाई पे। हाय रे वाजपेयी महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। हाय रे वाजपेयी महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कांग्रेस के एमपी शक्ति सिंह गोयल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस तरह घेरा है कि आज तक किसी ने नहीं घेरा होगा। तो शक्ति सिंह गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी की स्टाइल में अपनी स्पीच को शुरुआत किया भाइयों बहनों, और इस तरह घेरा कि पूरा सांसद उनको ही देखता रह गया। और पुराने वादों से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन, हर चीज़ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस तरह घेरते हैं कि आज तक किसी ने नहीं घेरा होगा, और पूरा सांसद उनकी बात को एग्री करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप वीडियो के अंदर। 400 रुपया गैस का सिलेंडर था, तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहाँ है, कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूँ कि साहब ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आओ तो सही, मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ महंगाई पे। हाय रे वाजपेयी महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। हाय रे वाजपेयी महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वेट कम कीजिए, तो मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों बहनों ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धो डालो, हम कहां से धोएंगे। कम करना है तो तुम्हारा एक्सरसाइज करो, तुम्हारे पाप से पेट्रोल डीजल बढ़ता है, हम वैट कम नहीं करेंगे। ये मोदी जी ने खुद कहा था, वीडियो है मेरे पास, मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना, मैं वीडियो दिखा दूंगा कि एक पैसा कम नहीं किया था वैट का। कहते थे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब लोग कहते हैं बस कर मोदी सरकार। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सच को परेशान करने या जेल में डालने से ना रावण का शासन सलामत रहा था, ना कंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था, आपका कहां से रहेगा। मैं आपको ये कहता हूं, आपके जरिए महोदय वित्त मंत्री जी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शालीन है, और मैं जिस यूनिवर्सिटी की बहुत इज्जत करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, उस जेएनयू की वो पास आउट है, वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है, जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देशद्रोहियों का अड्डा, गुंडों का अड्डा, मैं उस जेएनयू का बहुत समर्थित हूँ। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि आप तो संवेदनशील है, आप जरा गुजरात के उस अखबार को 4 दिन पहले के उठा के देख लेता। एक एजुकेटेड बंदा सुसाइड करता है और एक सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मुझे रोजगार नहीं मिला, मजदूरी करता हूँ, पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोषण नहीं कर सकता हूँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। रोज की कहानी। मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ, उस बोटाद डिस्ट्रिक्ट के रोजीद विलेज में महोदय एक कांड होता है, महात्मा गांधी जी की भूमि, जहां नशा बंदी है, शराब बंदी है, वहां शराब बिक नहीं सकती है, वहां पे जहरीली शराब आती है, 75 लोग जान गवा देते हैं। मैं विषय इसी के जुड़ा है, मैं कहता हूं, और उसी वक्त पे कुछ बच गए, उनकी आंखें गई, किडनी गई। वो कहता है इंटरव्यू में कि मैं मजदूर हूं, मैं शराब नहीं पीता था, महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था, इतनी तनतोड़ मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए
मैं थोड़ी सी शराब ला के पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो अभी गए, वो वहां रोजित नहीं गए थे, उन गरीब के आंसू पोंछने नहीं गए। वित्त मंत्री जी आप पधारो, मैं आपके साथ चलूंगा, हम दोनों जाए और उसके घर के लोगों के आंसू देख के फिर आप स्वीकार करना कि महंगाई है कि नहीं, और हम दोनों जाए और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूंगा कि मैंने जो भाषण दिया था वो मैं विड्रॉ करता हूँ और माफी मांगता हूँ। हकीकत तो ये है कि लोग बहुत परेशान है, हमारी बात अपोजिशन की बात लोकतंत्र में सरकार को सुनना चाहिए और लोकतंत्र में ऑपोजिशन की बात मानना भी चाहिए, पर आज का दौर ऐसा नहीं है। महंगाई से परेशान लोग, महंगाई के परेशान लोग उम्मीद करके बैठे थे कि पार्लियामेंट शुरू हो रही है, हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, हमें कुछ राहत मिलेगी। राहत नहीं दी आपने, जीएसटी का और मार मार दिया, रिलीफ देने की बजाय जीएसटी और बढ़ा दिया। और किन चीजों पर बढ़ाया आपने? जो सामान्य नागरिक खाता है, आम नागरिक, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, राइस, वेट, मुरी, जैगरी, नेचुरल हनी, 1000 से नीचे वाले कमरे में कौन रुकता है? एक गरीब रुकता है उस होटल का। 1000 के कमरे के ऊपर भी आपने जीएसटी 5% डाल दिया। अरे यहाँ तक कि आपने श्मशान को भी नहीं छोड़ा, श्मशान के ऊपर भी आपने जीएसटी डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी माननीय सदस्य प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे कि आप ऑयल बॉन्ड लाए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आंकड़े देखिए, पेट्रोलियम एनालिसिस सेल के आंकड़े देख लीजिए, आपने 27,00,000 करोड़ रुपए वसूल किए और बॉन्ड में कितने भरे हैं आपने? सिर्फ 98,000 करोड़। और 27,00,000 करोड़ रुपया आपने टैक्स कलेक्ट किया, किस नाम से आप बॉन्ड की दुहाई दे रहे हो? मैं महोदय जावड़ेकर साहब, माननीय सदस्य श्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गैस एलपीजी जिसे ट्राई करता है सऊदी अरामको, हमारे वक्त में 2013-14 में इस सऊदी अरामको के मुताबिक 885.2 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी का प्राइस था, और उस वक्त हम देते थे बोतल 400 से 415 में। आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी माने सस्ता हो गया, और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, महंगाई के लिए डॉलर की कीमत और रुपये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की 2 बर्थडेट है और दोनों बर्थडेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है, ये हकीकत है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, उसकी इज्जत गिर रही है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूं कि साहब ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में, वो दिखाइए तो सही। इन्हीं लफ्जों के साथ आप इजाजत दें तो दो लाइनें जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर आप अगर 2 मिनट दे दे तो मैं दो लाइनें, आपका टाइम ओवर हो चुका है, एक कविता की 2 पंक्तियां। हाय हाय वाजपेयी महंगाई महारानी, थोड़ी सी देशवासी पे करो मेहरबानी, सारा देश तुमसे परेशान, कुछ तो कृपा करो सरकार। आई है जब से वाजपेयी, कठिन हो गई है देश की जिंदगानी, स्वाद गया जीवन से, बेस्वाद हो गई है देशवासी की।